लेकिन अभी तक का तो एक्सपीरियंस कैसा रहा रूटीन के अलावा? नहीं, बहुत बेजार लग रहे हैं। इंटरनेशनली फास्ट की वैल्यू है, इंटरनेशनली भी फास्ट की वैल्यू है। घर जा रहे हो, फिर घर जाके भी वही असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, डेडलाइंस, तो बहुत कोई एक्स्ट्रा चीज करने का आपको टाइम मिलता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज का जो पॉडकास्ट है वो हमारे सीनियर के साथ है, और अगर आप फास्ट में पढ़ते हैं तो इन दोनों को जानते होंगे, क्योंकि ये लोग बहुत फेमस है फास्ट में। क्यों है ये नहीं पता, बट है, तो मान लो मेरी बात। तो इनसे इंटरव्यू लेते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी कैसी थी फास्ट की। तो सबसे पहले वेलकम, थैंक यू। इनका नाम रुतबा, उनका नाम मिदत, राइट। सो सबसे पहले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, पहले आप। मेरा नाम रुतबा है, जैसे कि साथ ने इंट्रोड्यूस करवाया, और मैं फाइनल सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। मेरा नाम मिदत करीम है, मैं भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस में फास्ट के अंदर। तो देयर कराची में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो आपने फास्ट ही क्यों चूज की? बेसिकली कंप्यूटर साइंस के लिए जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी फास्ट है, मार्केट वाइज और पढ़ाई के हवाले से भी। तो इस वजह से ऑब्वियसली फास्ट पे जब अप्लाई किया और एडमिशन हो गया, तो फास्ट वाज अ टॉप प्रायोरिटी। आप? मेरा भी यही रीजन था कि सीएस के अंदर जाना था, तो फास्ट ही सबसे पहली प्रायोरिटी है कराची के अंदर। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप सीएस के अंदर देखें तो फास्ट ही नंबर वन पे आती है। फिर करियर वाइज भी आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है अगर आप फास्ट में हैं, तो इसलिए फास्ट प्रायोरिटी थी। इंटरनेशनली फास्ट की वैल्यू है, इंटरनेशनली भी फास्ट की वैल्यू है। आप अगर जॉब मार्केट बाहर की जो बेसिकली अगर आप सिलिकन वैली वगैरह के बारे में बात करें, तो वहां पर भी मोस्टली अगर पाकिस्तान से लोग गए हैं तो वो मोस्टली फास्ट के ही ग्रेजुएट्स हैं। ये एक नई बात पता चली है, तो आप नोट कर लें। अच्छा, अगला सवाल ये मेरा कि बहुत लोगों से सुना है कि फास्ट में रगड़ा होता है, सही है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये सही बात है कि फास्ट की लाइफ जो है ना, वो बहुत टफ हो जाती है। कि आप जब स्कूल वाला और कॉलेज वाला माइंडसेट लेकर आते हैं, और जैसे मैं तो प्राइवेट स्टूडेंट थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम घर पर होता था या कोचिंग, एक दो घंटे की क्लासेस हार्डली। तो फास्ट में एक तो डिस्टेंस का इतना मसला, फिर आप सुबह पॉइंट से आओ, आप वो सुबह 6 बजे निकल रहे हो घर से, उसके बाद ट्रैवल का इतना टाइम लगता था, फिर यहाँ पे क्लासेस जैसे 4 बजे तक होती है क्लासेस, और जो शुरू के फर्स्ट और सेकंड ईयर में क्लासेस बहुत ज्यादा होती है क्योंकि आपकी 3 घंटे की लैब्स होती है, तो हार्डली आपको कोई टाइम मिलता है जो टाइम आप यूटिलाइज कर सको घर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने के लिए। फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बच्चे चले जाते हैं, तो घर जाके भी इतनी थकन हो जाती है कि आप 12 घंटे बाद घर जा रहे हो, फिर घर जाके भी वही असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, डेडलाइंस, तो बहुत कोई एक्स्ट्रा चीज करने का आपको टाइम मिलता नहीं है। तो अभी आपके 4 ईयर हो गए, अभी आप कहेंगे कि जो आपको रगड़ा मिला था वर्थ इट? वर्थ इट था, वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है। कि शुरू में मुश्किल होती है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर में बहुत मुश्किल हो जाती है, बट हमारा जैसे था, हमारा सेकंड सेमेस्टर ऑनलाइन हो गया था, तो हमें, मुझे लगता है कि हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन वो फिजिकल स्विच करने में भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन इसके अलावा जो है, अगर अब हम देखें तो फास्ट ने जितना भी रगड़ा दिया है वो सही है, सही है। सो आपने कोई ये भी कि फास्ट का ये बोलना है कि जो आपको रगड़ा दिया जाता है ना, वो बेसिकली आपको प्रिपेयर कर रहे हैं आगे जो आपकी लाइफ है उसके लिए। नो डाउट। तो उसमें फिर आसानी होती है बच्चे को जब वो यहाँ से पढ़ के निकलता है, इतने घंटों वो लगाता है, मेहनत करता है, तो फिर आगे आसानी हो जाती है, उतना टफ नहीं फील होता जितना प्रॉब्लम बाकी बच्चों को होगा। तो फास्ट में आपको कितनी मुश्किल पेश आई 4 साल के अंदर, और इसको ओवरकम किस तरह किया आपने? फास्ट में काफ़ी मुश्किल आई हैं। सबसे पहले तो एडजस्टमेंट के हवाले से, कि एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है फास्ट की लाइफ के साथ। उसके बाद फिर एनवायरनमेंट नया है, टीचर्स, दोस्त, सब कुछ। पढ़ाई भी फिर मुश्किल हो जाती है कि यूनिवर्सिटी लेवल की अलग पढ़ाई है, और ओवरकम भी फिर विथ टाइम ओवरकम होता है। मतलब कि 4 सालों में मुझे लगता है हर स्टूडेंट का एक वो फेज़ आता है कि जब उसको हर चीज़ में परेशानी हो, मुश्किल हो, दोस्तों से हो गया मसला, टीचर से मसला हो गया, यूनिवर्सिटी लाइफ रिलेटेड सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन विद टाइम। आपको कोई जवाब?
मुश्किलात तो होती हैं। सबसे ज्यादा जो बड़ी मुश्किल आई थी वो यही थी कि रूटीन को किस तरह से सेट करना है, और फिर पढ़ाई का जितना बर्डन था, असाइनमेंट्स, क्विजेज वगैरह, प्रोजेक्ट्स, आपके इतने बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, लेकिन फिर ओवरकम हो जाता है, बच्चा खुद ही फिगर आउट कर लेता है एक वे आउट, तो फिर आसानी हो जाती है। उसका अंदाजा तो आपको ज्यादा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर, शक्ल देख लो, फर्स्ट ईयर चल रहा है और हालत खराब है भाई मेरी, मुझे यूट्यूब भी करना है, ये भी करना है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे क्या प्लान है? आगे फिलहाल तो जॉब का प्लान है, बट अभी कोई इंटर्नशिप या कुछ? इंटर्नशिप चल रही थी बट वो खत्म हो गई है, तो करंटली अभी कोई इंटर्नशिप या कुछ नहीं। अब जॉब्स की एप्लीकेशन हम दे रहे हैं और इंटरव्यूज और टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं, और इसके बाद जो है वो बाहर जाने का प्लान है, तो वो एक अलग प्रोसीजर है पूरा। मेरा भी आगे यही प्लान है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आप भी बाहर जाएंगी? इन्हीं के साथ जाऊंगी। तो बाकी यही है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाना है, अब जॉब उसी में करनी है, तो उसी के लिए अब आगे देख रहे हैं। अच्छा, आपने जॉब में अप्लाई किया तो आपने लिखा होगा फास्ट से पढ़ा, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू होती है, जी होती है, उसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, लोगों को पता है फास्ट का बच्चा किस तरह का होता है, तो वैल्यू आपकी तो, वैल्यू होती है। एक्चुअली जब हमारे रेज्यूमे और सीवीज देखते हैं तो वो इम्प्रेस बहुत होते हैं कि आपका स्टडी बैकग्राउंड अच्छा है क्योंकि आपने फास्ट से पढ़ा है, और दूसरा सब अगर मैं बोलूं तो मोस्टली बच्चों की जो पहली जॉब या पहली इंटर्नशिप होती है ना, वो आपको यूनिवर्सिटी की वजह से ही मिलती है। अच्छा। जी, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्सिटी का नाम लगा हुआ है, तो ये बात है। तो बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं अभी सेकेंड ईयर में या फ्रेशीज हैं, तो उनको कंप्यूटर साइंस फील्ड चूज करनी चाहिए या किसी स्पेसिफिक में जाना चाहिए लाइक AI या कुछ? कंप्यूटर साइंस जो है वो एक जनरल आपको जो है ना फील्ड ऑप्शन दे देता है, मतलब उसके बाद आप बहुत सारी चीजें आगे परस्यू कर सकते हो, स्पेसिफिक भी जा सकते हैं, लेकिन हर चीज ही फिर IT रिलेटेड होगा, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस जो भी है। और फास्ट ने भी अब इतने डिपार्टमेंट्स खोल दिए, इतने ऑप्शंस है, और हर दिन अब हर चीज तो मशीन पे ही जा रही है, तो मेरे ख्याल से तो कंप्यूटर साइंस बेस्ट ऑप्शन है अगर आपका इंटरेस्ट हो, और नहीं भी हो तो फिर इवेंचुअली हो जाता है इंटरेस्ट। मेरे मुताबिक तो ये है कि एक बच्चे को स्पेसिफिक फील्ड की जगह कंप्यूटर साइंस में जाना चाहिए ताकि वो एक्सप्लोर कर सके डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं, उसके बाद डिसाइड करे कि कहाँ आगे जाना है, किस फील्ड में जाना है। बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट यूनिवर्सिटी में कोई ऐसे प्रोफेसर या मेंटर जिसने आपकी बहुत हेल्प की हो? टीचर्स तो वैसे बहुत ऐसे हैं जो हमें पसंद आए और जो नहीं, लेकिन मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस में मोस्ट फेवरेट टीचर जो थे वो सर अली शान हैं। वो यहाँ नहीं पढ़ाते, वो सिटी कैंपस पे पढ़ाते हैं, और उन्होंने हमें जेल पढ़ाया था पिछले सेमेस्टर। तो अब उनकी खास बात ये है कि वो एक ऐसे टीचर है कि मतलब जिनकी क्लास में ना आपको जाने का, बैठने का, उनको सुनने का दिल करता है, मतलब वो इतने अच्छे तरीके से आपको कोर्स भी पढ़ा देंगे और लाइफ लेसन्स भी दे देंगे। इसके अलावा और भी बहुत से टीचर्स हैं जो अब यहाँ है भी नहीं है, मिस किश्वर, और इसके अलावा हमारे सेम टीचर्स ही, हैं, बट सर अली शान से इसने पढ़ानी है। तो फास्ट में कोई ऐसी चीज जो आप यहाँ से जाने के बाद मिस करेंगी? फास्ट में जो हाँ, कैफे कुछ अच्छा सही है, कैफे का कोई खाना कभी किसी जमाने का, और वैसे जो है फास्ट का ऑब्वियसली जितनी भी मेमोरीज हमने दोस्तों के साथ बनाई है, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई तो कोई मिस करेगा नहीं, लेकिन जो दोस्तों के साथ जितने इवेंट्स होते हैं, जितना हम तफरी करते हैं एक दूसरे के साथ, और जितनी भी अभी हमारी फास्ट में क्या होती है, क्यों नहीं होती, बिल्कुल होती है, करने पे हो जाती है, जिसको करनी होती है वो कर लेता है। हाँ, अभी तो फर्स्ट ईयर हमारा भी मुश्किल गुजरा था, फर्स्ट सेकेंड ईयर ना बहुत ही अनइवन सा गुजरता है, लेकिन फिर आपका 6 सेमेस्टर के बाद से ना एक वैसा लगता है एक अच्छा सा फ्लो बन रहा है, और फिर आखिरी साल में तो वैसे ही प्रोकॉम और इन सब चीजों की वजह से तो हमारा चलो कुछ उम्मीद अच्छा तो मिली हमें। नहीं नहीं मजा बहुत आता है। आपको कुछ कोई यादें, कुछ कोई स्पेसिफिक याद? हाँ, स्पेसिफिक यादें मोस्टली तो यही जो सोशल इवेंट्स वगैरह हुए थे स्टार्टिंग से जितने भी हुए हैं, ज्यादा एंजॉय तो उसी में किया था। किए सारे सारे अटेंड किए, तो वही। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कि 4 साल जो फास्ट में आपने लगाए, आपने आपको क्या लगता है कि ये स्किल मेरी डेवलप्ड हो गई 100%?
आई एम मास्टर, कुछ ऐसा। देखो मास्टर तो कोई भी एक स्पेसिफिक चीज नहीं होती, मतलब आगे तो ऑब्वियसली हम सीखते रहेंगे आगे, लेकिन ये है कि हम जिस चीज को पढ़ने के लिए आए थे वो हमारी स्किल्स काफी पॉलिश हुई है फास्ट की वजह से, ये हम कह सकते हैं। मतलब अगर हम आगे जॉब्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं या इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब शायद जो हम अभी दे सकते हैं इंटरव्यू या हम जिस तरह के जवाब दे सकते हैं उस पर फास्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है अच्छा खासा। हाँ मैं भी यही बोलूंगी कि लर्निंग स्किल्स जो है ना हमारी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, और दूसरा ये कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमारे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने जैसे जब इंटरव्यूज़ दिए थे तो हमें आइडिया हुआ था कि दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में हमारे कॉन्सेप्ट्स किस तरह के हैं, हमें किस तरह से पढ़ाया गया, तो एक बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट स्किल हमें मिली है। इसके अलावा यही कि यहाँ पर जिस तरह से प्रोजेक्ट्स वगैरह हमने किए उसी से हमने डिस्कवर किया कि हमें आगे किस फील्ड में जाना है, किस तरफ जो है जाना है, किस तरफ इंटरेस्ट है। तो अच्छा आपने कोई ऐसी गलती की है फास्ट में जो आप चाहते हैं कि आप बताना चाहें और फ्रेशीज वो गलती ना करें? फास्ट में कोई स्पेसिफिक गलती मतलब ये हो सकता है कि आप जो है वो यानी कोई सलाह दे दो फ्रेशी को ये ना करें ये करें। हाँ फ्रेशमैन को तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि फ्रेशमैन आजकल जो है ना वो बहुत परेशान घूमते हैं अपने फ्यूचर को लेके, तो अभी आपके पास ना आगे के 3 साल और हैं, थर्ड ईयर में आके या फोर्थ ईयर में आके टेंशन लेना है। लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर आपको फास्ट की लाइफ बैलेंस करनी है ना तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर से ना अपना रूटीन बैलेंस करना होगा, मतलब पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर्स के टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर्स, क्योंकि फिर ऑब्वियसली अब ऐसी बात भी नहीं है कि बस पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और बाकी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स में लग जाओ। तो जैसे अगर तुम बाहर किसी से पूछो ना, या जो सीनियर्स भी होते हैं मोस्टली वो यही बोल रहे होते हैं कि फास्ट नहीं आओ, बहुत मुश्किल है, मत आओ, बिल्कुल ही डिग्रेड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मतलब अगर किसी का प्लान होगा अभी कंप्यूटर साइंस की तरफ आने का और फास्ट से पढ़ने का, तो वो जो है ना मोस्टली वो बैक ऑफ कर जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, मतलब आप सक्सेस हाँ इतना बुरा नहीं है, फास्ट आगे लाइफ बना देता है आपकी। वो सीनियर्स भी बस अपने एक्सपीरियंस पे कह रहे होंगे, मतलब वो हाँ मतलब वो ये है कि अपनी मतलब एक पॉइंट पे आके हर बच्चा यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उस वक्त वो यही सलाह दे रहा होता है यहाँ कोई ना आए कोई ना आए, ये पढ़ने की जगह अच्छी नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है, बहुत पॉलिश कर देता है फास्ट, आपको बना देता है, आगे जाके आपको फिर पता चलता है इम्पोर्टेंस। अच्छा अभी हम लोग फ्रेश ही हैं तो हमारी कम जीपी आई है तो कोई मसला नहीं, आगे बढ़ जाती है, कम आती है ना मतलब सबकी। हाँ कम आती है, लोग फेल होते हैं भाई, फेल होते हैं टाइम पे ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं होता। लेकिन बस ये है कि अब ऐसा नहीं कि डीमोटिवेट होकर पढ़ाई छोड़ दी, हमारी भी कम आती है, कम आती है, बढ़ती है। और दूसरी बात ये कि अगर जीपीए का लिंक जॉब के साथ है ना, तो फिर ये बात बाहर मार्केट में भी पता है लोगों को कि जीपीए यहाँ बच्चों की कम है, तो स्किल्स पे जज करते हैं ये पता है। कुछ कंपनीज होती है जो क्रीम बच्चे लेती है जिनकी जीपीए ना 3+ या 3.5+ होती है, लेकिन मोस्टली कंपनीज पे ऐसा नहीं है कि आपका चांस ही खत्म हो जाएगा अगर आपकी 2 जीपीए है। अभी इस वक्त अगर आप देखें तो फास्ट के जितने भी सीनियर्स हैं सब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, उन सबकी जरूरी नहीं है, सबको मिल जाती है ना जॉब, मिल जाती है, किसी को ग्रेजुएशन से पहले मिलती है, किसी को 2 महीने बाद 6 महीने बाद, लेकिन मिल जाती है, टेंशन नहीं लेनी फिर। बिल्कुल फ्रेशीज को तो लेनी भी नहीं चाहिए टेंशन, उनको तो अभी टाइम एंजॉय करने का, फिर आगे थोड़ी टाइम मिलेगा। तो मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करें हम लोग, यूनिवर्सिटी लाइफ बिल्कुल एंजॉय करनी है, पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करनी है, और बस जितनी दोस्तों के साथ मेमोरीज बना सको वो बनाओ। थैंक यू, पॉडकास्ट एंड करें, कट। तो ऑप्शंस बहुत है और इवॉल्विंग फील्ड है। जेनी नहीं पढ़ाती ना जावा। क्लासेस नहीं है समझ में।